हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सल्यूटली फाइन सो टूडे वी विल सी हु इज़ योर लाइफ पार्टनर यहाँ पे तीन पाइल्स हैं द फर्स्ट वन इज़ हार्ट सेकेंड वन इज़ दिस बटरफ्लाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रोज इनमें से आपको जो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो आप मेडिटेट करके चूज कर लीजिए और पूरा वीडियो भी आप देख सकते हो थैंक यू सो मच हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी प्यारा सा हार्ट चूज़ किया था सो so, आपके जो फ्यूचर पाउस होंगे उनका हार्ट बहुत बड़ा होगा बहुत दिलदार होंगे आपके फ्यूचर हाउस ओके आप पे जान छिड़कते होंगे समथिंग लाइक दैट आप देख लेते हैं कि इस इंसान के कुछ कुछ स्पेशलिटी देख लेते हैं क्या स्पेशलिटी हो सकती है इनकी विद द डाइस ओके सो फोटोग्राफी इनको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इस लड़के या लड़की को इनको फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शॉक होगा ठीक है अब ये कब तक आपकी तरफ आ जाएंगे ये भी देख लेते हैं ओके विद इन थ्री मंथ्स दिस पर्सन विल कम एंड आपका रिश्ता पक्का हो सकता है आई गेस आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है ऑफ फॉर्चून एंड मैजिशियन एंड द वर्ल्ड उसके अलावा यहाँ पे जो ऑरकल है वो है हाउस मेचोर्ड वुमन थीफ मेन मेल एंड ग्रेट फॉर्चून नॉलेज थ्रेड रैम टिकट हीलिंग अर्थ एंड ग्राउंड एंड आपका और चक्रा ओके सो जो सनसाइंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो है लियो एकवेरस स्कॉर्पियो टॉरस फिक्स मॉडलिटी के साइंस यहाँ पे हैं एंड अदर देन दैट मजिशियन के साथ कोई भी सनसाइन हो सकता है इस इंसान का एंड बर्ल्ड के साथ भी फिक्स साइंस हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं सो so, सबसे पहले जैसे अभी कॉल आया है यहाँ पे तो आपके पास इस इंसान का कॉल आएगा ऐसे ही आपकी बातचीत शुरू होगी विद द व्हील ऑफ़ फॉर्चून ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिख दिए गए हैं ऐसे ही इंसान आपको मिलेंगे एंड आपकी शादी होगी इस इंसान से एंड अदर देन दैट आपका गुड लक बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा इस इंसान के आते ही विद द मजिशन कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया होगा या इस इंसान एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तब आप दोनों एक दूसरे से एक दूजे से मिलेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड ये इंसान आपको अपनी दुनिया बना लेंगे एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घुमाएंगे डिफरेंट स्टेट घुमाएंगे इनका ट्रैवल का भी काम हो सकता है जैसा मुझे दिख रहा है वीलो फॉर्चून के साथ आपके अच्छे कर्मों की वजह से चाहे वो पिछले जन्म के हो वो इस जन्म के हो उस कर्मों की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आएंगे अदर देन दैट टेन टन टेन ज़ीरो वन नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ये नंबर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैविली दिख सकते हैं ट्रिपल वन भी आपको दिख सकता है एंड ट्रिपल सिक्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एंड विद अ व्हील ऑफ़ फॉर्चून ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली के साथ काफ़ी चीज़ें अभी प्रॉब्लम्स में चल रही होंगी इनकी मदरली इशूज़ हो सकते हैं इनको एंड उस वजह से ये इनकी कुछ हाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी इनके घर में जितने भी इनके रिश्तेदार होंगे या इन, जिनके साथ भी ये रहते हैं उन लोगों से इनकी बनती नहीं होगी ऐसा भी हो सकता है जैसा मुझे दिख रहा है काफ़ी फॉर्चुनेट होंगे बहुत बड़े घर से भी हो सकते हैं ये इंसान ठीक है जैसे ही ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने लगेंगे ठीक है वो चाहे यू you नो know, जो भी चीज़ें स्टक थी उसको लेके हो सकता है चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में फेटेड है ये रिश्ता तो आपके फेट में आपकी किस्मत में लिख दिया गया है तभी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ठीक है डिसीजन ये इंसान आपके लिए बनाएंगे और आपका गुड लक और आपका फॉर्चून शुरू हो जाएगा इस इंसान के आते ही आप काफ़ी फॉर्चुनेट फील करोगे इस इंसान से शादी करने के बाद ठीक है और इनसे मिलने के बाद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आपकी ज़िंदगी में शुरू हो सकते हैं इनके आते ही रिलेशनशिप में आपके चेंजेस आने लगेंगे अगर आपके घर में प्रॉब्लम्स थी आपकी मदरली या चाइल्ड हो आप उन सारी चीज़ों में आपके चेंजेस आ सकता है जैसा मुझे दिख रहा है ठीक है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एडजस्टिंग गया आपके साथ हर चीज़ में एडजस्ट करेंगे जैसा आप बोलोगे वैसा रहेंगे नेक्स्ट है स्किलफुल होंगे ये मर्जिशन के साथ इनका एक जॉब चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें इनका स्किल लगता होगा मेहनत लगती होगी इस इंसान की ठीक है एंड ये काफ़ी कॉन्सनट्रेशन से उस चीज़ पे काम करते होंगे तो आपको उस चीज़ में इनको सपोर्ट करना पड़ेगा मैं जैसे मैंने बताया मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप होगा आप अभी मैनिफेस्टेशंस कर रहे होंगे तो ये आने की कगार पे हैं आपकी तरफ जैसा दिख रहा है यहाँ पे एंड इस इंसान के आने पे आपको भी काफ़ी ऑपरचुनिटीज़ मिलेंगी चाहे वो Uh, आपके करियर से रिलेटेड हो या आपको काफ़ी पढ़ा सकते हैं हेल्प कर सकते हैं एक नए चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं ये काफ़ी प्रोएक्टिव इंसान होगा लव में हमेशा यू नो आपके लिए गिफ्ट्स लाना आपके लिए फ्लावर्स लाना आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर देना आपके पॉकेट में पैसे डाल देना समथिंग लाइक दैट ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होंगे आपके लिए और प्रोएक्टिव चीज़ें करते होंगे प्यार में एंड अदर देन दैट यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि वर्ल्ड के साथ इस इंसान का कुछ लोगों के साथ कंप्लीशन हो रहा होगा चाहे वो इनके घर वाले हो चाहे वो इनका पास रिलेशनशिप हो उसके बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आपका रिलेशनशिप काफ़ी फुलफिलिंग होगा आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में पूरा फुलफिलमेंट मिलेगा हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपके हैं ओके दिस इज दिस पर्सन इज़ योर्स दिस पर्सन विल बी लॉन्गिंग फॉर यू हमेशा इस इंसान को आपकी चाहत होगी चाह होगी हमेशा इनके साथ आप पूरा फील करोगे जैसा मुझे दिख रहा है बहुत ही हार्मोनियस रिश्ता होगा बहुत ही हारमोनियस शादी होगी इस शादी में का जो मेन थीम है वो है अचीवमेंट वो चाहे आपका हो चाहे इस इंसान का हो आप लोग काफ़ी चीज़ें अचीव करोगे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अदर देन दैट है ये हमेशा आपको लव फील कराएंगे ओके okay? बहुत आपकी केयर करेंगे हमेशा ग्रेटफुल होंगे भगवान जी की तरफ कि आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे आपकी रोमांटिक लाइफ फुलफ़िलिंग होगी पूरी तरह आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा इंसान आपको मिल सकता है ये है आपके लाइफ पार्टनर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड उसके अलावा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टी मैटर्स इनके चल सकते हैं किसी और के साथ किसी और के साथ चल रहे होंगे यहाँ पे एक ओल्डर लेडी है तो ये ओल्डर लेडी इनकी मदर हो सकती है इनकी फैमिली में कोई हो सकता है मामा मामी चाचा चाची कोई भी हो सकता है इनसे बहुत सारे लोग जलते होंगे क्योंकि यहाँ पे थीफ है आप देख सकते हो वो बच्चा उस इंसान के पॉकेट से कुछ चुरा रहा हो वो लेडी हंस रही है ठीक है ऐसे लोग होंगे इनके आसपास इनका कोई दोस्त वोस्त नहीं होगा सब ऐसे झूठे रिश्ते होंगे जहाँ पे फंसे होंगे और आप एक सच्चे इंसान हो जो इनकी ज़िंदगी में आओगे विद द मेन मेल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक मेन इंसान की तरह आएंगे जो आपको एक स्टेबिलिटी देंगे एक यू नो प्रोटेक्ट करेंगे आपको हमेशा यू नो बुरी चीज़ों से आज तक जो आप झेल रहे थे वहाँ से आपको निकाल देंगे ग्रेट फॉर्चून है यहाँ पे तो बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान होंगे मैंने बताया इस रिलेशनशिप का थीम ही अचीवमेंट है कुछ अचीव करना वो ग्रेट फॉर्चून हो सकता है तो ये इंसान आपके साथ मिलकर कुछ करेंगे जो आप काफ़ी ज़्यादा अचीव कर जाओगे उस तर, चीज़ पर बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होंगे आप देख सकते हो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे इनको रीडिंग राइटिंग का बहुत शौक़ होगा ठीक है इनको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता होगा नई नई चीज़ें सीखते होंगे आपको भी सिखाएंगे जैसा दिख रहा है ठीक है हो सकता है कि इस इंसान जिनके साथ भी अभी डील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाउस और मदर और एनी ये थोड़े से स्टबन हो गए हों थोड़े एग्रेसिव हो गए हों गुस्सा इनको जल्दी आता होगा ठीक है टस भी इनका सनसाइन हो सकता है यहाँ पर टॉरस था तो हैवी टॉरस भी हो सकता है इनका ठीक है थोड़े से स्टबन और एग्रेसिव गुस्से वाले हो सकते हैं तो उस चीज़ पर आप इनको थोड़ा हेल्प कर सकते हो नीडल एंड थ्रेड ये बताता है कि आपकी जो विषय है आपकी जो मैरिज की विष है एक सिंसियर विश है कि एक सिंसियर इंसान से आपकी शादी हो जाए वो आपकी हो जाएगी क्योंकि ये नीडल के अंदर थ्रेड जा रहा है ओके तो दोनों नहीं होंगे तो शादी नहीं हो सकती डेफिनेटली ओके सो वैसे ही आपकी जो विश है वो इस इंसान के साथ पूरी हो जाएगी डिवाइन टाइमिंग में ये मैरिज आपकी तरफ आएगा फिर आपकी मैरिज हो जाएगी जैसा दिख रहा है अभी ये इंसान हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं जैसे ही हील कर लेंगे ये किसी के पास जाते होंगे फ्लावर थेरेपी लेते होंगे या फिर किस कोई इनको हेल्प करता होगा वहाँ जाते होंगे तो वहाँ से हील करने के बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे ठीक है और आपके लिए जो एडवाइस कार्ड है वो है अर्थ एंड ग्राउंड एंड आपका और चक्र आपका जो और है वो बहुत ही खूबसूरत है थर्टी टू आपकी अभी एज हो सकती है ट्वेंटी हो सकती है ठीक है ट्वेंटी फोर हो सकती है ट्वेंटी सिक्स हो सकती है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अदर देन दैट आपके बर्थडे हो सकते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी सिक्स टेन वन 21 ट्वेंटी वन आपका एज हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो सकता है सो so, आपको अर्दी रहना है अर्द ग्राउंडेड रहना है भगवान जी को प्रे करना है मेडिटेशन करना है अपनी चीज़ें आपको करते रहना है आपके रिचुअल्स अगर आप कुछ करना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो कर सकते हो और चक्र और चक्रा ये बताता है कि आपका और बहुत पॉजिटिव है ठीक है इस टाइम पीरियड में तो उस और में ही आपको रहना है आपको अपना और चेंज नहीं करना है नेगेटिव थाट्स अपने ज़िंदगी में लाना नहीं है तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे बहुत जल्दी ठीक है गाइज कि कुछ छोटे मोटे इनके यू नो फिज़िकल ट्रेट्स देख लेते हैं वेन्स इनके हाथों में पैरों में माथे पे वेन दिखता होगा टॉल यहाँ पे ये कार्ड में हीलिंग में टॉल है ये इंसान तो काफ़ी लंबे हो सकते हैं डार्क ब्राउन आईज इनकी आंखें डार्क ब्राउन होंगी फुलर लिप्स इनके जो लिप्स हैं काफ़ी बिग हो सकते हैं बिग आइज़ इस लड़की की लड़के की हो सकती है फेयर कंप्लेक्शन के होंगे आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है कर्ली हेयर कुछ लिए इनके कर्ली हेयर भी हो सकते हैं जैसा दिख रहा है ठीक है यू आर क्यूट सबसे पहले इनका कमेंट होगा आपको देख के कि दैट यू आर वेरी क्यूट स्ट्रांग आपको स्ट्रांग भी बोलेंगे आप क्यूट भी हो लेकिन काफ़ी स्ट्रांग हो ये भी इस इंसान को अच्छा लगेगा आपके अंदर या ये खुद एक इंसान बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं यू आर लाइक माई होम यहाँ पर था चीज़ें कि आप होम की तरह हो इस इंसान के लिए तो आप आपको मिलते ही ये घर की तरह फील करने लगेंगी जो चीज़ इनको पास्ट में नहीं मिली जुलाई में आप आने वाले जुलाई में इनसे मिल सकते हो स्टबन स्टबन आपके में यहाँ आया था इस वाले टी लीफ वाले कार्ड में तो थोड़े से स्टबन हो गए हैं पास्ट की वजह से कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकते इंसान को आप नहीं जानते कुछ लोगों के लिए ओल्ड भी हो सकते हैं क्योंकि टेन और ट्वेंटी वन दोनों नंबर्स हैं यहाँ पे लोनली ये इंसान बहुत अकेले हैं अभी बहुत यू नो अकेला फील करता है ब्यूटीफुल आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं बहुत ही सुंदर है आप बहुत ब्रिटी हैं ये कह रहे हैं ठीक है जब आएंगे बोलेंगे आपसे ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कुछ लोगों के लिए पास से भी हो सकते हैं कि आपके बारे में ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोचते रहते हो ट्रस्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना है क्योंकि आपके पास टिकट का कार्ड है तो हमेशा तो, तो इसका मतलब आपका डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका मैरिज होगा बट मोस्ट प्रॉब्लली जो मैंने टाइम फ्रेम थ्री मंथ्स का बताया था उस टाइम फ्रेम में आप मिल सकते हो एक्टिंग वेरी कोल्ड हो सकता है कि आप इस इंसान को जानते हो तो ये अभी कोल्ड एक्ट कर रहे हैं आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कुछ लोगों के लिए दे वॉन्ट टू टेक यू फॉर वैकेशन दिस पर्सन वॉन्ट टू टेक यू फॉर वैकेशन ये आपको वैकेशन पे ले जाना चाहेंगे जैसे ही मिलेंगे ओके okay? तो आप घूमने फिरने जा सकते हो जान सकते हो एक दूसरे के okay? साथ यू कीप गिविंग मे मिक्स सिग्नल्स हो सकता है आप इस इंसान को क्रशिंग ऑन कर रहे हो पसंद करते हो या आपने इनको अभी कोई जवाब ना दिया हो और शादी का कोई रिश्ता आया हो तो इनको क्लियर नहीं है आप इनको मिक्स सिग्नल्स देते हो क्लियर कट बातें नहीं बताते आई नो आई हर्ट यू कुछ लोगों को ये इंसान जानते हैं सो so ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है उसके लिए फगीवनेस एंड सॉरी बोल रहे हैं जैसा मुझे दिख रहा है ठीक है थैंक यू सो मच लेस एसअप टू पाइल नंबर टू हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर टू जिन्होंने भी प्यारा सा बटरफ्लाई चूज़ किया ये इंसान ट्रांसफॉमिशन के थ्रू गुजर रहे हैं जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं बटरफ्लाई आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे आने वाले टाइम में जब आपका रिश्ता पक्का होने वाला होगा या शादी होने वाली होगी ठीक है अब देख लेते हैं कि इस इंसान का कुछ कुछ भी कुछ ये बताना चाहते हो अपने बारे में तो डाइस से पूछ ओके दिस पर्सन इज कैन बी फ्रॉम कोस्टल एरिया से कोस्टल एरिया से हो सकते हैं जहाँ पे केरला हो गया गोवा हो गया बॉम्बे हो गया जहाँ पे सी बीच हो वहाँ से हो सकता है पाइन ट्रीज़ हो या फिर यू नो कोकोनट ट्रीज़ हो वहाँ से हो सकता है ये इंसान मलेशिया से भी हो सकते हैं तमिलियन हो सकते हैं कुछ लोग ले दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज ठीक है एंड वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये इंसान कब तक आ जाएंगे वो भी देख लेते हैं दो महीने में ये इंसान आपकी बाहों में होंगे ओके गाइस आई गेस आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे द फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल नाइन ऑफ सॉर्ट्स एंड एट ऑफ पेंटगल्स ठीक है तो उसके अलावा आपका जो ऑर्कल है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन सेक्रल चक्र आपका ठीक uh, है न्यू होम न्यू एटीट्यूड न्यू लाइफ स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ बैट है यहाँ पे चैरिटी है आपका हाई हॉनर न्यू मेन आई एम सो सॉरी मेन मेन फीमेल अनएक्सपेक्टेड इनकम डिस्पेयर वेल्दी मैन इम्प्रसनमेंट तो जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है आ, इनका सनसाइन हो सकता है हेवी केप्रिकोन ठीक है टॉरस टोरस फिर सबसे हैवी है इस रीडिंग में एंड लिब्रा जमना एक्वेरस भी इक्वली ही हैवी है यहाँ पे जैसा दिख रहा है ये जो इंसान है डेविल के साथ <laughs> बहुत ही ब्यूटिफुल बहुत ही खूबसूरत आपके लिए एक पाई की तरह है ये ठीक है आप इनके लिए एक पाई की तरह है आपके लिए एक पाई की तरह है दोनों एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं समथिंग लाइक दैट ओके इनको ऐसे रेड कलर के ड्रेसेस ऐसे फॉलन नेक पहनने का बहुत शौक होगा इस लड़की को ठीक है लड़के को रेड कलर बहुत पसंद होगा लड़की के बॉब कट भी हो सकते हैं ऐसा पॉसिबल है दस पॉसिबल ठीक है अगर लड़की के लिए देख रहे हैं अगर लड़के के लिए देख रहे हैं तो रेड इनका फेवरेट कलर होगा ठीक है नाइन ऑफ शॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसा लगता हो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को नींद की प्रॉब्लम होगी अभी राइट नो इनका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा इनकी लाइफ में इनकी कुंडली नहीं अवेखनी चल रही होगी इनको नींद नहीं आती होगी ये फियर में थोड़ा सा रहते होंगे डर में रहते होंगे इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होगी इन इस इंसान की लाइफ में राइट नाउ बट उस इंस इस इंसान ने उस पर काम किया है दिस पर्सन हैज़ वर्कड ऑन दोज प्रॉब्लम्स एंड देन कम आउट ऑफ दैट विथ एट ऑफ पेंटिकल ठीक है एट ऑफ पेंटिकल इन्होंने मेहनत किया है केक आर्टिस्ट हो सकते हैं ये कोई होटल मैनेजमेंट इन्होंने किया हो सीखा हो इन्होंने कुछ किया हो कोई छोटा मोटा कोर्स बाहर कुछ केक बनाने का काम हो होटल इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये इंसान वो भी दिख रहा है यहाँ पे नाइट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं मेहनत करते हैं बहुत सारे यू you नो know, रिसर्च करते हैं ऐसा भी इनका काम हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट से भी आ रहे हैं गुड ओनली फॉर फ्यू पीपल ठीक है जिससे भी जो भी आपके लाइफ पार्टनर है इनकी जो सैलरी है काफ़ी अच्छे नंबर्स होंगे उसमें मतलब इन द सेंस कि सिक्स डिजिट इनकी सैलरी हो सकती है मंथली में एंड ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपके लिए पजेसिव होंगे बहुत ज़्यादा यू नो आपको बस दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट यू ओके बाय हुक बाय क्रूक ऐसा हिसाब किताब होगा इस इंसान का क्योंकि ये इंसान आपको इस पाई की तरह देखते हैं जिसको ये खा जाना चाहते हैं ओके ये डेविल बन जाते हैं जब आपको देखते हैं सेक्शुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होंगी आप दोनों के बीच में ये इंसान सेक्शुअली एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजते होंगे तभी आपको पूरा दिन आजकल ऐसा फील होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेंड है आपको थकावट हो रही है आपके शरीर में आपको नींद आ रही लेटना है आपको बार बार वापस बेड पर लेटने का मन करेगा तो वो इस वजह से क्योंकि इस इंसान की सेक्शुअल एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं दैट्स वाई ये आप पे कुछ मैजिक्स भी कर रहे होंगे जैसा मुझे दिख रहा है चाहे वो मून रिचुअल्स हो चाहे वो कोई और रिचुअल्स हो जो भी है ये वो सारी चीज़ें करते हैं आपको नींद में दिक्कतें हो सकती हैं जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी मेहनती हार्ड हार्डवर्किंग इंसान है ठीक है उन्होंने अपने एट पेंटेगल्स पे काम कर लिया है मोस्ट प्रोबली इसीलिए ये अब आपकी तरफ आने वाले हैं जैसा मुझे दिख रहा है देखिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स आज तक आपको बताई नहीं है हो सकता है आपके क्रश हो कुछ लोगों के लिए ठीक है ऑप्रेस करते हैं ये अपनी फीलिंग्स ये दूसरों को बताते नहीं हैं अगर इन्होंने बताते तो इनको लगेगा इनकी सच्चाई पकड़ी जाएगी संदेह लाइ दैट ओके सो दिस पर्सन हैज नॉट रिवील्ड राइट नाउ कि ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं एडिक्टेड हैं आपको बता नहीं सक रहे हैं ऑप्सेस्ड हैं आपसे बहुत ही डिपेंडेंट है ये को डिपेंडेंसी है इस इंसान का आपके ऊपर ठीक है मोस्ट प्रॉबली आप इनको जानते होंगे कुछ लोग अगर नहीं जानते तो ये सारी क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर होंगी एक्सेसिव सोचते हैं आपके बारे में ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इनको नींद नहीं आती ठीक है यू नो पावरलेसनेस फील होता है इस इंसान को जब आपकी तरफ देखते हैं आपकी पिक्चर्स देखते हैं आपको यू uh, नो you know, जानने की कोशिश करेंगे उस टाइम ये अपनी बातें बता नहीं पाएंगे क्योंकि केप्रिकॉन्स हमेशा एक ढलावा साइन है अर्थ साइन है वो हमेशा एक्सप्रेसिव नहीं होते ज़्यादा इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं इस वजह से ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं ठीक है एंड uh, इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा लस्ट होगा शादी के बाद ठीक है शादी से पहले भी होगा ठीक है एंड uh, इनका जो ऑब्सेशन uh, है वो बहुत ज़्यादा होगा आपको कोई और दिखेगा तो उस इंसान को अच्छा लगेगा उसका मुंह तोड़ देंगे ठीक है दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी पोजेसिव फॉर यू ओके जो चीज़ आपको आज तक नहीं मिली है वैसा इंसान होगा ये है जो पहले जो लोग आए थे वो जब आपके लिए पजेसिव नहीं थे आप उनके लिए पोजेसिव थे बट इस इंसान के लिए यू you नो know, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होंगे देखिए अब इनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ये हो सकते हैं इनको डर बहुत ज़्यादा लगता है इनको अंधेरा लाइट चली जाएगी तो इनको डर लगता होगा इनको एंग्जाइटी की इशू होगी इनको गुस्सा जल्दी आता होगा ऐसा कभी कभी ये ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाते होंगे रोने लग जाते होंगे ऐसा भी इनके साथ होता होगा तो उसमें इस इंसान को आपको सपोर्ट करना है जैसा मुझे दिख रहा है इनको डरावने सपने भी आते होंगे आजकल यू नो बिकॉज ऑफ़ द कंडली नियनी आप आपको भी हाथे होंगे ये बंदा आइसोलेट ज़्यादा करता है इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकते कम बोलता है इसके एक दो दोस्त होंगे जो इसके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं ठीक है उसके अलावा ये किसी और के साथ मिंगल नहीं होता ठीक है अपने में रहता है इसको घूमना अकेले घूमने चला जाएगा अकेले शॉपिंग कर लेगा अकेले कोई चीज़ें कर लेगा ऐसा होगा ठीक है थोड़ा सा शक्की भी हो सकता है आपका पार्टनर तो वो चीज़ आपको उनको समझानी है अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो इनको रिग्रेट है उस चीज़ का और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे जैसा दिख रहा है बहुत ही टैलेंटेड भी हैं साथ बसाथ अगर इनके नेगेटिव ट्रेट हैं तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं स्किलफुल इंसान है इनके हाथों में कोई बात है या हाथों से कुछ काम करते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड चीज़ें हैं क्राफ्टमैनशिप इन्होंने कुछ सीखा होगा स्पेशली एंड वो क्वालिटी इनके अंदर भगवान जी की तरफ से है ओके इनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं बट आपके लिए ये हमेशा यू you नो know, अगर आप मिडिल क्लास हैं अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज नहीं है ऐसा आपको लगता है बट ये इस इंसान के लिए आप इनके लिए बहुत ज्यादा यू नो इनके स्टैंडर्ड को मैच करते होंगे ऐसे इंसान होंगे ठीक है इन्होंने किसी चीज में एक्सपर्टीज लिया होगा अपने काम को लेकर ठीक है मास्टरी करी हो सकती है ये मास्टर्स भी इन्होंने किया हो सकता है ये आपको ये बंदा कमिटमेंट जो देगा ना ये एंड तक देगा एंड तक मरते दम तक ये आपको कमिटमेंट देगा डेडिकेटेड होगा आपके लिए आपके फैमिली होम के लिए डेडिकेटेड होगा ये एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अकम्लिश करोगे जो बहुत ही ज्यादा यू नो लाइट में आएगा लोगों को दिखेगा वो चीज आपका जो रिलेशनशिप है वो यू you नो know, उसमें अचीवमेंट होगा आपका रिलेशनशिप कल्टिवेट करेगा हर दिन ठीक है गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप है ये ठीक है आपका एक गोल है एंड करना इस रिलेशनशिप को जब तक आप मरते नहीं हो इस धरती पर होके आप इस रिश्ते में काफ़ी कल्टीवेट करोगे एक दूसरे के साथ जैसा मुझे दिख रहा है इनकी जॉब काफ़ी हाई ऑनर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आर्मी से हो सकते हैं नेवी से हो सकते हैं कुछ भी हमारा डिफेंस से हो सकते हैं ये इंसान ठीक है आप इस इंसान की ज़िंदगी में मेन फीमेल की तरह आएंगे जो इनकी ज़िंदगी को बदल देंगे यू आर अ डिफरेंट पर्सन आपके हल्के से ब्राउनिश बाल हो सकते हैं चबी में हो सकते हो आप तो आप जैसे ही इस इंसान की ज़िंदगी में आएंगे आप चीज़ें बदल जाएंगी अनएक्सपेक्टेड इनकम जैसे ही आपके कदम इनके घर में आएंगे तो इनकी लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इनकम आने लगेगा uh, यू नो एक्स्ट्रा पैसे आने लगेंगे ठीक है इनका पास्ट हल्का फुल्का बुरा हो सकता है नाइन ऑफ शॉट्स और, और डिस्पेयर के साथ इनको किसी ने बहुत बड़ा चीटिंग भी किया हो सकता है वेल्दी मैन के साथ या उस चीज़ पे इन्होंने वर्क किया हो सकता है जिन्होंने इनको चीट किया और ये वेल्दी बन चुके होंगे अब वो लोग इस इंसान के पीछे पड़े होंगे कि हमारे साथ रहो हमारे साथ रहो बिकॉज इनके पैसे की वजह से उन लोगों ने इस इंसान को जेल भेजने की भी धमकी दी हो सकती है भिजवाया भी हो सकता है दस पॉसिबल इनके हाथ ऐसे लंबे हो सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है एक बार ये कहीं ना कहीं जेल गए हैं जैसा मुझे दिख रहा है ठीक है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आजकल कोई भी कर देता है केस ओके उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है या हो सकता है कि स्टक एनर्जी हो पास्ट के साथ ऐसा भी हो सकता है जहां पे इनको स्टक रखा जाता हो अंधेरे में किसी रूम में रखा जाता हो क्योंकि इनको फंसाने के लिए इनके पैसे लेने के लिए समथिंग लाइक दैट ये बंदा चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है गरीबों में पैसे बहुत बांटता है इसका नाम हो सकता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में एन में आउट ऑफ द कंट्री कहीं पे भी ये जाता है वहाँ पे चैरिटी करता है बच्चों के लिए दैट्स पॉसिबल यहाँ पर पूरा पूरा आ रहा है ठीक है अदर देन दैट ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं अभी ठीक है जैसे ही आपकी तरफ आने लगेंगे उससे पहले काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे फिर ही आपकी तरफ आएंगे इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका होगा जब ये इंसान आप आपकी तरफ आएंगे देखिए आपके रिश्ते में बहुत सारे एनिमीज़ है बैट है यहाँ आप, पे बैट आपको पता है ना क्या है वो को, कोरोना लेके आया है कोविड लेके आया है तो वैसे ही बहुत सारे टेक केयर जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू इस रिश्ते को तोड़ने की बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपसे जलते हैं दे डोंट लाइक यू ओके इस इंसान के आते ही आपका प्रेगनेंसी जल्दी आ जाएगा मैरिज के बाद जो मुझे दिख रहा है आपकी नई दुनिया होगी जो जीवन आप अभी जी रहे थे वैसी जिंदगी आप आगे आप नहीं जियोगे इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंड अ न्यू लाइफ थर्टी नाइन इस इंसान की एज आपकी हो सकती है ट्वेंटी फाइव आपकी एज इस इंसान की हो सकती है ट्वेंटी सेवन आपकी एज इस इंसान की थर्टी टू आपकी एज इस इंसान की ट्वेंटी नाइन भी हो सकता है थर्टीन इनका बर्थडे टू इनका बर्थडे फ़िफ्टीन इनका बर्थडे नाइन इनका बर्थडे एट इनका बर्थडे या अगस्ट में इनका बर्थडे आता हो दैट्स ऑलसो पॉसिबल ठीक है इस रिश्ते को तोड़ने की बहुत लोग कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आप एक नॉर्मल फैमिली से हो सकते हो लोगों को पसंद नहीं आएगा लोग इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें नहीं आना है आपको अपना काम करते रहना है जब आपकी मैरिज होगी एक न्यू होम में आप शिफ्ट हो जाओगे जहाँ आप रह रहे हो उस स्टेट कंट्री में नहीं रहोगे एक नए जगह नई चीज़ जगह जाओगे और वहाँ पे न्यू एटीट्यूड नए तरीके से आप शुरू करोगे जैसे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये बंदा गुजर रहा होगा आप भी गुजर रहे होंगे दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप देख सकते हो इसने आपको उठा रखा है अपनी बाहों में समथिंग लाइक दैट ऐसे ही उठाना चाहते होंगे आपको ठीक है एंड आपको उसके लिए क्या करना है आपको सेक्रल चक्र पर अपने काम करना है यू हैव टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्र अगर आप सेक्रल चक्र पर बात नहीं, काम नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें नहीं आ सकती आपकी तरफ एंड दूसरा एडवाइस क्या क्या है कि आपको स्पिरिचुअल भी होना है आपको थर्ड आई चक्र पर मेडिटेशन करना है सेक्रल चक्र स्पेशली उस पर काम करना है सेक्रल चक्र हमेशा सेक्शुअलिटी को जताता है तो आपकी ब्यूटी भी उससे काफ़ी बढ़ सकती है काफ़ी ब्यूटीफुल आप लग सकते हो विद द सेक्रल चक्र जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ठीक है थीके? अब इस इंसान के कुछ देख लेते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है स्ट्रेट हेयर इस लड़की के स्ट्रेट हेयर आपके हो सकते हैं नैरो नोस पतली नोस हो सकती है नशीली आंखें इस लड़की की हो सकती हैं एथनिक वेयर इसको साड़ी सूट ये सब लड़के को पसंद होगा कुर्ता वुरता नो रिंकल इनका फेस एकदम क्लीन होगा हायर चीक बोन इनकी चीक्स काफ़ी ग्लोइंग होगी सुंदर होंगी दिखते होंगे हंसते होंगे दिखता होगा ग्लासेस इस लड़की को लड़के को ग्लासेस लगाने का बहुत शौक होगा हेल्दी थोड़ा उसके अलावा इनकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी शॉर्ट में भी इनकी हाइट हो सकती है ट्रस्टवर्दी होंगी आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पर एंड तक आपका साथ देंगे डार्कर लैशेस इनकी जो आई लैशेस होंगी वो काफ़ी डार्क होंगी जैसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे ठीक है इस अब देख लेते हैं कि क्या इनके पर्सनल मैसेजेस हैं मोर फोकस ऑन फ्रेंडशिप हो सकता है या आपने इसको फ्रेंड जोन कर दिया हो या इसने आपको किया हो कभी ऐसा हो सकता है या अभी ये सिर्फ फ्रेंडशिप चाहते हैं स्टार्टिंग में आप दोनों की सिर्फ दोस्ती होगी उसके बाद आपका मैरिज तक लाइफ पार्टनर बनेंगी ऐसा वाइफ हो सकता है कि ये मैरिड हो किसी और के साथ और वो डबल एनर्जी में हो उस इंसान के साथ इसीलिए इस बंदे को नींद नहीं आती यहाँ पर विद ए नाइन ऑफ थॉट्स यहाँ पे प्रॉब्लम ये इंसान किसी और के साथ डील कर रहा है मैरिड हो सकता है ये इसकी सेकेंड मैरिज होगी आपके साथ me, हग हगमी ये इंसान आपको हक करना चाहता है ठीक है डिवोर्स सी वाइफ के नीचे ही आया है वो तो इसका मतलब ये इंसान डिवोर्स के थ्रू गुजर रहा है ठीक है कुछ लोगों के लिए सबके लिए नहीं है सबके लिए मत लीजिएगा बाकी स्टार्टिंग के सारे पार्ट सिंगल्स के लिए हैं बट अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका किसी के साथ डिवोर्स चल रहा होगा स्लोली स्टडली कमिंग टुवर्ड्स यू तो धीरे धीरे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जल्दी जल्दी नहीं ठीक है फॉगिविंग एंड लर्निंग फैमिली इशूज सी ये सारे कार्ड्स एक साइड में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये स्पेशली स्पिरिट्स का और जितने भी आपके एंजल्स हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अपने फैमिली इश्यूज से लर्न कर रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स थी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये थे वहाँ से निकल रहे हैं मैरिज में थे तो वहाँ से निकल रहे हैं जैसा दिख रहा है आई एम स्टिल डीलिंग विथ माई बिच एस एक्स तो ये जो लेडी है या लड़का है जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं इनके एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड एक्स लवर हस्बैंड वाइफ जो भी हैं बहुत ही बेकार हैं वो ठीक है बहुत ही तेज रहे हैं चंट चालू ये इंसान सीधा हो सकता है ठीक है गिल्टी इं, आ, ये इंसान गिल्टी है आपके साथ इन्होंने कुछ बुरा किया आपको कोई गोस्ट कर दिया तो इनको बुरा लग रहा है इन आपके साथ कुछ भी इन्होंने डीलिंग किया हो वो सही नहीं किया हो तो उसके लिए गिल्टी है कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ तो ये आपसे बोल रहे हैं या फिर इस पर्सन से थर्ड पार्टी से बोल रहे हैं कि सच्चाई बोलो मुझे नहीं पता कोई तो यहाँ पे झूठा है मुझे नहीं पता आई डोंट नो हाउ हाउ आई फील फॉर यू एनी मोर सो हो सकता है कि ये इंसान कन्फ्यूज है दो लोगों में ऐसा पॉसिबल है थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे फादर मुझे लग रहा है कि इनका एक बेबी हो सकता है एक डॉटर हो सकती है यहाँ पे क्यों क्योंकि यहाँ पे डेविल है ठीक है एक डॉटर हो सकती है चिल्ड्रन सी यहाँ पे चिल्ड्रन है चिल्ड्रन प्रोमिनेंट है इस यहाँ पे बच्चा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस नॉनसेंस ये बंदा आपसे बोल रहा है कि आप इसको इस नॉनसेंस से सेव करें तो ये आपकी तरफ आएगा शायद मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है गॉसिप जब ये आपकी तरफ आएंगे बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे उससे डरना नहीं है आपको क्योंकि वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में नहीं है वो कार्मिक के साथ ही रह रहे हैं आप लोगों का यूनियन नहीं होने देंगे वो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स का तो वो लोग गॉसिप करेंगे उससे आपको बचना है आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू दिस पर्सन कान्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते ऑब्सेसिव हिसाब किताब है इस इंसान का जो दिख रहा है यहाँ पे ऑब्सेस्ड हैं ये थैंक यू सो मच लेट्स एस टू पाइल नंबर थ्री हाय वेलकम बैक पाइल नंबर थ्री जिन्होंने भी ये प्यारा सा रोज चूज़ किया ये इंसान को रेड रोज बहुत ज़्यादा पसंद होगा इनको बालों में लगाने का शौक़ होगा फूलों का एंड uh, ये इंसान uh, को रेड रोज़ की खुशबू बहुत पसंद होगी ये इंसान आपको रेड रोज गिफ्ट करेंगे डेली <laughs> आपका हनीमून पे रेड रोज होंगे आपके बेड पे ऐसा लग रहा है मुझे एंड अब देख लेते हैं कि कुछ ये बताना चाहते हो अपने बारे में डाइस के थ्रू जान लेते हैं देखिए टाइमिंग है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे आपका यूनियन होगा आपका मैरिज होगा आप देख लेते हैं कब तक आ जाएंगे तीन महीने ओके गाइस सो आई गेस आपको आपके सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे द फर्स्ट कार्ड इज़ हाई प्रिस्टस द स्टार नाइन ऑफ वॉन्ट्स अदर देन दैट यहाँ पे है थिंकिंग मैन थॉट्स थॉट्स मैसेज ऑफ कंसर्न कॉफिन है कोर्ट हाउस है और न्यू पाथवे है गॉडस ऑफ लाइट है डॉल्फिन uh, है कॉइंस है चिल्ड्रन है गो द डिस्टेंस है एंड बाकी आपके एडवाइस कार्ड हम लोग लास्ट में लेंगे ठीक है जो सनसाइंस यहाँ पे हैवी हैं वो हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एक्वेरियस सबसे हैवी है एरिसोसै सबसे हैवी है यहाँ पे ये तीन सनसाइंस जो हैं काफ़ी हैवी हैं यहाँ पे जैसा दिख रहा है मुझे आ, अब सीधी सी बात यू नो नो बकवास बिकॉज विद द हाई ब्रिस्टस जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक हीलर हो सकते हैं ये लड़की या लड़का जो भी है ये ठीक है इसका सनसाइन जो मर्जी हो ठीक है इसके सन मून राइजिंग में पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एकवेरियस या एरिस लियोसैज कहीं ना कहीं आता होगा ये सारे साइंस एंड uh, ये एक हीलर हो सकते हैं ये एक एजुकेटर uh, हो सकते हैं ये एक यू नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर हो सकते हैं एक जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं ये एक डिटेक्टिव uh, भी हो सकते हैं ये जो बंदा है या बंदी है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो जो आपके लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे अगर आप उनसे झूठ बोलोगे तो वो आपको दो मिनट में पकड़ लेंगे ठीक है <laughs> ठीक है एंड इस इंसान के अंदर काफ़ी नॉलेज होगा ये अंधाधुन नॉलेज इनको यूनिवर्स की तरफ से इनको गिफ्टेड है ये गिफ्ट्स इनको यूनिवर्स ने दिया है एक वक्त ऐसा आया होगा इनकी लाइफ में जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा दुख देखा होगा बहुत प्रॉब्लम से गुजरे होंगे तब जाके इनको वो इंट्यूटिव गिफ्ट इनको उस टाइम पीरियड में जब जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब इनको ये गिफ्ट दिया गया है ठीक है विद द स्टार कार्ड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है सोशल मीडिया पे इनका नाम हो सकता है काफ़ी लोग इनको जानते हों ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही यूट्यूब में इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं फेमस हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ नाइन ऑफ वॉन्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, ये इंसान आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे आपका बहुत ख्याल रखेंगे आपको हमेशा बचाएंगे ईविल लोगों से जैसा दिख रहा है प्रोटेक्टिव होंगे आपकी तरफ वुंडेड वॉरियर है तो डेफिनेटली इन्होंने अपना पास्ट में बहुत दुख देखा है बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हैं जैसा दिख रहा हैं यहाँ इंटेलिजेंट होंगे समझदार होंगे मैच्योर लड़की होगी मैच्योर लड़का होगा ये ठीक है ठीके? हीलर हो सकते हो आप दोनों ही जैसा मुझे दिख रहा है आप दोनों ही मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बैठे होंगे आप दोनों का ही चक्र सारे ही एक्टिवेटेड होंगे जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है भाई अब देखिए इन इस इंसान के पास इनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों ही अलग अलग यू नो यू नो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होगा इनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में काफ़ी यू you नो know, हलचल मची रहती होगी ठीक है एंड मिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें सीक्रेटिव होंगी इनकी जो इनकी आपको पता नहीं होंगी शायद आप जानोगे जब ये अपने आप को रिवील करेंगे धीरे धीरे बहुत ही स्लो मूवर है ये ठीक है धीरे धीरे चीज़ें इनकी पता चलेंगी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते होंगे भगवान जी को बहुत यू you नो know, मानते होंगे ये जो भी इनके भगवान जी हैं ठीक है थीके? आप दोनों डिफरेंट कल्चर कास्ट से हो सकते हो क्योंकि हाई प्रिस्टस और स्टार दोनों ही मेजर अरकाना है और आप सबसे लग के स्पाइल हो क्योंकि आपके पास दो मेजर अरकाना है वो किसी भी पाइल में नहीं है हायर पावर के साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे भगवान जी के साथ एंड इनका जो अंदर का वॉइस है वो सबसे पहले ये सुनते होंगे उसके बाद ही आगे के डिसीशंस लेते होंगे हड़बड़ी में डिसीशन लेने वाले बंदों में से नहीं है ये बहुत ही पेशेंट होंगे अगर कोई लड़ाई होगा तो आप दोनों साथ में बैठ के उसको डिस्कस करोगे उसको सॉर्ट आउट करोगे बहुत लविंग होंगे केयरिंग होंगे आपकी तरफ आपका ख्याल रखेंगे बहुत ज़्यादा काम नेचर होगा इनका अगर आप गुस्सा कर दोगे तो वो चुप हो जाएंगे ठीक है ऐसा होगा ऐसे ही रिश्ते ये चलाते होंगे ठीक है पैशन बहुत ज़्यादा होगा इस रिश्ते में बहुत हैवी पैशन एरिस लियो सह आ गए हैं यहाँ पे तो पैशन काफ़ी ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा इंटीमेट होंगे काफ़ी बार आप इंटीमेट होंगे जैसा दिख रहा है मुझे इंटीमेसी बहुत हीवी होगा यहाँ पे दिख रहा है उसके अलावा ये इंसान आपको इंस्पायर कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसके लिए ये आपकी होप बनेंगे आपको एक होप देंगे और इंस्पायर करेंगे ठीक है पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में लाएंगे अगर आप नेगेटिव थॉट्स में थे तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाएंगे और आपको एक फेथ देंगे कि हाँ जीवन में अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं ठीक है इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने में आपकी इनकी ज़िंदगी में आने में आप दोनों एक दूसरे को रिन्यू भी करोगे हीलिंग भी करोगे और आप दोनों एक दूसरे को रेजविनेट भी करोगे और एक डिफरेंट इंसान बन जाओगे आप दोनों का और अलग होगा आप दोनों अपना कुछ एक मीडियमशिप भी शुरू कर सकते हो इसके साथ अदरवाइज़ आप अपने क्लास स्कूल्स कोई कुछ सिखाना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो भी शुरू कर सकते हो शादी के बाद जैसा दिख रहा है यहाँ पर उसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक बंदा होगा ये इसकी जो सोच होगी वो ऑप्टिमिस्टिक होगी हमेशा पॉजिटिव सोचता होगा ये बंदा हर चीज़ में चाहे वो लव लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो जो मर्जी हो इसने अपने पासवून से हील कर लिया होगा थोड़ा बहुत आपके साथ मिलेगा तो पूरा हील हो जाएगा आप दोनों का कंडीशन सेम होगा जिस टाइम आप मिल रहे होंगे ठीक है एंड परसिस्टेंट बंदा होगा रुकेगा आपके साथ भागेगा नहीं ठीक है इधर उधर नहीं भागेगा रुकेगा ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है ठीक है एंड सक्सेस आप दोनों साथ में पाओगे एंड हल्का फुल्का लेजी हो सकता है इसको फटीक प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेजीनेस थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा लेज़ी हो सकता है ये बंदा जैसा दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए आपके क्रश हो सकते हैं क्यों यहाँ पर थाट्स आ गया है तो थॉट्स ये बताता है कि भाई आपका यू नो ये बंदा ठीक है आपको सोचता रहता 24 ट्वेंटी फोर इंटू सेवन जैसा मुझे दिख रहा है सिक्सटीन आपकी एज फोरटीन आपकी एज हो सकती है नाइनटीन हो सकती है थर्टी फोर हो सकती है थर्टी हो सकती है थर्टी फाइव हो सकती है आपका बर्थडेस हो सकते हैं टू हो सकता है एंड सेवेंटीन हो सकता है आपका नाइन हो सकता है सिक्सटीन फोर्टीन नाइनटीन थर्टी फोर थर्ट सॉरी थर्टी फोर नहीं नाइनटीन एंड थर्टी ये सारे आपके बर्थडेस हो सकते हैं इस इंसान के हो सकती है इंसान आपके बारे में ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सोचते रहते हैं जैसा दिख रहा है पेंटिंग भी बनाते होंगे आपकी आपकी पिक्चर्स भी इनके पास हो सकती हैं अगर आप जानते हो अपने लाइफ पार्टनर को जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे मैसेजेस के थ्रू ही आपकी कनेक्शन होगा आपकी बातचीत शुरू होगी ये इंसान आपको कोई मैसेज भेजेगा ऐसे ही आपकी ऑनलाइन भी बातचीत हो सकती है मिल सकते हो उस इंसान से या ऑलरेडी जानते हो तो कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा फिर उसके बाद आपकी शादी की बात चलेगी थी, ठीक है कॉफिन इनके पुराने जितने भी रिश्ते होंगे वो टूट चुके होंगे ख़त्म हो चुके होंगे कुछ लोगों के लिए विडो हो, हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए डिवोर्सिस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इनका कोर्ट हाउस में कुछ चल रहा होगा किसी के साथ ऑक्यूपेशन भी दोनों ने पार्टनरशिप में किया होगा जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपना पसंदीदा प्रोफेशन चूज़ कर लिया होगा जो इस लेडी को पसंद नहीं आए होगा इस लड़के को पसंद नहीं आगे जो जो ये इंसान परस्यू करना चाहते थे चाहे वो पेंटिंग से हो ड्राइंग से हो रिलेटेड या फिर कोई और जॉब हो या न्यू पाथवे हो या फिर कोई हीलिंग जॉब हो या कुछ भी हो जो इनको पसंद ना आया हो जिनके साथ भी पास में थे तो इनके बीच में काफ़ी झड़प हो गई उस चीज़ को लेकर इनके कोर्ट में केसेस चल रहे होंगे प्रॉपर्टी मैटर्स डिवोर्स मैटर्स भी हो सकते हैं या फिर इनको किसी ने झूठ बोल के फंसाया हो रेप केसेस में दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ठीक है ऐसी कोई लेडी हो सकती है अब देखिए ये कार्ड मैं नहीं निकालना चाह रही थी मैंने दो बार शफल किया तीन बार शफल किया और तीनों बार ही यहाँ पे बच्चे आए तो हो सकता है यहाँ पे किड्स इन्वॉल्व है हो सकता है कि लव चाइल्ड हो ये किसी और का बच्चा हो और इनके ऊपर थोप दिया गया हो या फिर ये इन्हीं का खुद का बच्चा हो सकता है एक डॉटर हो सकती है या फिर एक सन हो सकता है दो सन हो सकते हैं दो डॉटर हो सकती हैं पाँच बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के ठीक है जो भी है ये चिल्ड्रन मैं उठाना नहीं चाहती थी बट स्टिल ये बार बार तीन बार आया तो आ गया देखिए यहाँ पे राधा लिखा हुआ है ठीक है तो आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैंने आपको बोला आप राधा हो ये कृष्ण जी हैं ठीक है वो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भगवान जी तो डेफिनेटली रास लीला रचाया होगा इन्होंने आपके साथ कभी कभी ना कभी ठीक है जो भी है यहाँ पर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है इस ठीक है सो बच्चे एक प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पे ठीक है एनी विच विचवे आप दोनों का न्यू पाथवे है यहाँ पे नया जीवन है जैसे ही ओवर हो जाएगा ये बच्चे का कस्टडी का इशू हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे कस्टडी इशूज़ खत्म होने के बाद या लीगल मैटर्स कुछ भी है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन पर किसी ने केस किया हो तो वो भी ख़त्म हो के ये इंसान आएंगे फोर्टी सेवन भी इनकी एज हो सकती है गो द डिस्टेंस ये काफ़ी दूर से आएंगे जैसा मुझे दिख रहा है ठीक है आप दोनों का एक लाइफ पाथ है गॉडस ऑफ लाइट के साथ क्योंकि इस इंसान के अंदर या आपके अंदर काफ़ी लाइट है बिकॉज ऑफ योर पास्ट बहुत ब्रूटल पास्ट हो सकता है आपका उस वजह से आप दोनों के अंदर काफ़ी लाइट आ चुकी है जो उन लोगों के अंदर नहीं है वो बस इसी में पड़े रहेंगे जिंदगी भर ठीक है फिनेंशियल गेन आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो आपका नया ऑक्यूपेशन भी शुरू हो सकता है जो सेम चीज़ मैंने आपको बताई वो भी हो सकता है और फिनैंशियल गेन काफ़ी ज़्यादा आएगा ओके एंड देखिए कुछ भी आपने अच्छा कर्म किया हो उस वजह से पास से ये आपको अबांडेंस आएगा इस इंसान के आते ही कॉइन मनी विल कमिंग टू यू इस इंसान के आते ही बहुत ज़्यादा मनी आपकी तरफ फ्लो होने लगेगा इनके कदम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं आपके लिए जैसा मुझे दिख रहा है अदर देन दैट आपके एडवाइस कार्ड है वो है एक्सपेक्ट मेराक्ल आप सोच रहे हो आपकी शादी नहीं होगी बट डेफिनेटली आपकी शादी होगी मेरक्ल होगा एंजल्स कितनी खुशियाँ देख सकते हो आप वो आपको हेल्प करेंगे शादी होने में विद द सोल लेसन ट्रस्ट आपको ट्रस्ट करना है ठीक है आपको इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना है मैरिज के प्रोसेस में ट्रस्ट करना है जन्म मरण और शादी तीनों चीज़ भगवान जी के हाथ में है आपको उस पर ट्रस्ट करना है और अपने रूट चक्रा पे जहाँ से कुंडलिनी शुरू होती है ठीक है और एंड आपके क्राउन चक्रा पे होती है उन सब पे काम करना है बट रूट चक्रा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पीठ में दर्द रहती होगी बैक पेन रहता होगा तो उसके लिए आपको रूट चक्रा पे काम करना है वीटिश कंप्लेक्शन इस लड़के का लड़की का नैरो फेशियल फीचर्स इनके जॉ लाइन दिखता होगा डार्क कम्प्लेक्शन इस लड़की का लड़के का ठीक है सन सनटैन स्किन इस लड़की का लड़के का ब्राउन स्किन कुछ लोगों के लिए स्किन यहाँ पे डिफरेंट है सबका ठीक है एनिमल लवर हो सकते हैं एनिमल से बहुत प्यार होगा मीडियम हाइट कुछ लोगों के लिए शू कलेक्शन इनका शौक़ हो सकता है कुकिंग स्किल खाना बनाने का बड़ा शौक होगा इस लड़के को लड़की को श्राई हो सकते हैं मोल मोली होंगे गई इनके फेस पे कुछ तिल हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे मस्सा भी हो सकता है इनके फेस पे लॉन्ग हैंड इनके हाथ बहुत लंबे होंगे ठीक है कैजुअल वेयर कैजुअल वेयर इनको पहनने का बहुत शौक़ होगा लाइट कपड़े पहनने का शौक होगा ज़्यादा दिखावा नहीं करते होंगे डार्कर आईब्रोज इनकी आईब्रो जो होगी काफ़ी डार्क होगी बहुत ही खूबसूरत होगी जैसे दिख रहा है हनी मून माई गॉड आई कैम बिलीव इट दिस पर्सन विल टेक यू फॉर हनी मून ओके आप दोनों हनी मून पर जाओगे इन्जॉय करोगे प्रेगनेंट ये इंसान आपको प्रेगनेंट करने चाहते होंगे बहुत जल्दी इनको बेबी चाहिए होगा जैसा दिख रहा है मैरिज के बाद ठीक है गिव मी another chance चांस आपसे दूसरा चांस मांग रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो इस हीलर को या फिर इस एस्ट्रोलॉजर uh, को या फिर रेकी आर्टिस्ट को आप ऑलरेडी जानते होंगे आप इनके क्लाइंट हो सकते हैं वर्थ वेटिंग फॉर तो आपको वेट करना है एंड वो वर्दी होगा जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे अक्टूबर आने वाले अक्टूबर में आपकी मैरिज हो सकती है अनलव्ड इस इंसान को कभी अपनी जीवन में प्यार नहीं मिला क्योंकि ये चिल्ड्रन और उस कोर्ट हाउस के नीचे ही आया है तो इस इंसान को ना उस बच्ची से प्यार मिला ना उस बच्चे से प्यार मिला ना उस लेडी से प्यार मिला लड़के से प्यार मिला तो वो प्यार आप इस इंसान को दे सकते हो क्लियरिंग कर्मा ये इंसान कर्मा क्लियर कर रहे हैं उन लोगों के साथ वो ख़त्म होते आपकी तरफ आ जाएंगे लिसन टू इंट्यूशन अपने इंट्यूशन पे काम करें थर्ड आई चक्रा से आएगा वो एंड डेफिनेटली आपको रूट चक्रा पे तो काम करना ही है समटाइम्स आई फील यू विल नॉट फगीव मी हो सकता है इन्होंने पास में आपको हर्ट किया हो आपको रिजेक्ट किया हो तो लग रहा है कि इनको क्या आप इनको फगीव नहीं करेंगे बट डेफिनेटली आप दोनों हीलर्स हो आपका काम ही फगीव करना है आई नो यू आर माई सोल आप उनके सोल में तो इनको पता है पैशनेट आप दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट होगा रिलेशनशिप शादी के बाद हार्ड टू गेट यू इंसान आपको समझ नहीं पाते हैं आप बहुत डिफिकल्ट हो इस इंसान के लिए फेबर आने वाले फेबरी में भी आप मिल सकते हो इस इंसान से स्टबन ये लड़का या लड़की काफ़ी स्टबन हो सकता है ज़िद्दी हो सकते हैं उस पर इस इंसान को काम करना होगा या आपके साथ कभी कभी स्टबन हो सकते हैं ज़िद्द कर सकते हैं तो उस चीज़ पे आपको समझना पड़ेगा अनविलिंग टू चेंज आप नहीं चेंज होना चाहते या ये इंसान चेंज पसंद नहीं करता है इसको चेंजेस पसंद नहीं है वो इस पर उस पर काम करना पड़ेगा आई चूज यू इंसान आपको चूज करते हैं ग्रीफ ये जो भी दुख इनकी ज़िंदगी में है ग्रीफ है पास्ट रिलेशनशिप मैरिज एक बेबी दो बेबी जो भी है इनका ग्रीफ है चिल्ड्रन को लेके वो सब ठीक हो जाएगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे सो दिस ऑज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक इट प्लीज़ प्लीजम्स अपन माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग you can definitely contact me through email whatsapp everything is mentioned in the below description box thank you so much i love you all see you see in the next video bye